जिनको टेंस में तमाम कंफ्यूजन है, ता है, ती है, का है, घी है, या है, ई है, चुका है, चुकी है, चुका था, चुकी थी, तमाम कंफ्यूजन है। मेरे इस स्टाइल को समझने की कोशिश कीजिए, मेरे इस ट्रिक को समझने की कोशिश कीजिए, आपके टेंसेस में तमाम कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। सबसे पहले आप एक वर्ब लो, गो। गो के तीन फॉर्म होते हैं, गो, वेंट, गॉन, ठीक है। होते तो पांच फॉर्म है लेकिन हम तीन की चर्चा करेंगे, गो, वेंट, गॉन। हमने सबसे पहले एक प्रेजेंट का सेंटेंस लेना है, दूसरा पास्ट का लेना है, तीसरा फ्यूचर का लेना है, फिर प्रेजेंट का लेना है, पास्ट का लेना है, फ्यूचर का लेना है, फिर प्रेजेंट का लेना है, पास्ट का लेना है, फ्यूचर का लेना है, और फिर प्रेजेंट का लेना है, पास्ट का लेना है, फ्यूचर का लेना है। कैसे लेना है देखिए, मैं जाता हूं, आई गो, मैं गया, मैं जाता था, आई वेंट, मैं गया, मैं जाता था, दोनों का एक ही होगा, आई वेंट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म। मैं जाऊंगा, आई विल गो, मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा हूं, आई विल बी गोइंग, मैं जा चुका हूं, आई हैव गॉन, मैं जा चुका था, आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूं, आई विल हैव गॉन, मैं जाता रहा हूं, आई हैव बीन गोइंग, मैं जाता रहा था, आई हैड बीन गोइंग, मैं जाता रहा हूं, आई विल हैव बीन गोइंग। हमने स्लो बोला, अब इसी को हम थोड़ा फास्ट बोलेंगे, आई गो, आई वेंट, आई विल गो, आई एम गोइंग, आई वॉज गोइंग, आई विल बी गोइंग, आई हैव गॉन, आई हैड गॉन, आई विल हैव गॉन, आई हैव बीन गोइंग, आई हैड बीन गोइंग, आई विल हैव बीन गोइंग। और फास्ट करेंगे, आई गो, आई वेंट, आई विल गो, आई एम गोइंग, आई वाज गोइंग, आई विल गोइंग, आई हैव गॉन, आई हैड गॉन, आई विल हैव गॉन, आई हैव बीन गोइंग, आई हैड बीन गोइंग, आई विल हैव बीन गोइंग। खत्म। जितनी फास्ट करेंगे टेंस क्लियर होगा। अब आप बोलोगे सर इंटरोगेटिव का क्या, लो इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में पहले प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उसी फॉर्मूला को फॉलो करना है। डू आई गो, डिड आई गो, विल आई गो, am I going, was I going, will I be going, have I gone, had I gone, will I have gone, have I been going, had I been going, will I have been going। इसको फास्ट बोलना शुरू करना है। Do I go, did I go, will I go, am I going, was I going, will I be going, have I gone, had I gone, will I have gone, have I been going, had I been going, will I have been going। अब इसको इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाओ। इंटरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाएंगे, देखो इंटरोगेटिव नेगेटिव, डोंट आई गो, डिडंट आई गो, वोंट आई गो, Ain't I going? Wasn't I going? Won't I be going? Haven't I gone? Hadn't I gone? Won't I have gone? Haven't I been going? Hadn't I been going? Won't I have been going? अब इसी फॉर्मूले को आपको फास्ट प्रैक्टिस करना है, तेजी से करना है। पहले शुरू में याद रखना है टेंसेस जिसके क्लियर हैं और कंफ्यूजन है उसी का ये हो सकता है, जिसको टेंसेस बिल्कुल नहीं आते उनसे नहीं हो सकता। पहले टेंसेस को क्लियर कीजिए, पहला सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दूसरा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तीसरा सब्जेक्ट विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये याद रखना है। अब दूसरा वर्ड ले लो, कौन सा वर्ड लोगे, प्ले, मैं खेलता हूं, आई प्ले, मैं खेलता था, आई प्लेड, मैं खेलूंगा, आई विल प्ले, मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं, आई विल बी प्लेइंग, मैं खेल चुका हूं, आई हैव प्लेड, मैं खेल चुका था, आई हैव प्लेड, मैं खेल चुका हूं, आई विल हैव प्लेड, मैं खेलता रहा हूं, आई हैव बीन प्लेइंग, मैं खेलता रहा था, आई हैड बीन प्लेइंग, मैं खेलता रहा हूं, आई विल हैव बीन प्लेइंग। इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव सब बना लो, प्रैक्टिस करो। डोंट आई प्ले, डिडंट आई प्ले, वोंट आई प्ले, एंड आई प्लेइंग, वाजंट आई प्लेइंग, वोंट आई बी प्लेइंग, हैवंट आई प्लेड, हैडंट आई प्लेड, वोंट आई हैव प्लेड, हैवंट आई बीन प्लेइंग, हैडंट आई बीन प्लेइंग, वोंट आई हैव बीन प्लेइंग। पहले धीरे प्रैक्टिस करो, फिर बाद में फास्ट प्रैक्टिस करो, देखना तुम्हारे टेंसेस क्लियर हो जाएंगे। दो बार, चार बार करो, पांच बार करो। आप इंटरव्यू देना चाहते हो, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब पाना चाहते हो, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, स्टूडेंट हो, डेली रूटीन बोलना चाहते हो, कल के बारे में बोलना चाहते हो, अपने बॉडी के बारे में बोलना चाहते हो, लास्ट बॉडी के बारे में बोलना चाहते हो, ऐसे टेंसेस का प्रैक्टिस करो, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। गम की अंधेरी रात में दिल को ना बेकरार कर, सुबह जरूर होगी सुबह का इंतजार कर। ट्राई, यू विल डू।